हाटसिला प्रखंड के पूर्वी माओ भंडार पंचायत के अन्ना बस्ती में खंबा एवं जर्जर तार बदलने की मांग को लेकर शनिवार को पूर्वी माओ भंडार के पूर्व पंचायत समिति सदस्य निर्मला शुक्ला ने स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ घाटसिला विद्युत सहायक अभियंता अमरजीत प्रसाद से मुलाकात की तथा उन्हें मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में निर्मला शुक्ला ने बताया कि खंभे तथा बिजली के तार जर्जर हालत में हैं। इससे भविष्य में भी बड़े हादसे होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस मौके पर राम सजल दत्ता, अब्दुल रहमान, अंजू निशा, स्मिता तिवारी, उर्मिला देवी, संजीता बीवी, अंतर्वस देवी समेत अन्य लोग मौजूद थे। घाटसिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज में विषय जो था आपका बिजली विभाग में देने का, जो गुदरी बस्ती मतलब जो अन्ना नगर है ए ब्लॉक पूर्वी मोभंडर, वहाँ का जो पांच खंबा है जो पूरा बिल्कुल जर्जर के अवस्था में है, आए दिन कभी भी वो घटना का अंजाम दे सकता है। और ये घटना का जब अंजाम देने का जब समय आएगा तो यहाँ के लोगों को भारी से भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिसे कहना बड़ा मुश्किल है। ये स्थिति को देखते हुए कल हम यहाँ के लोगों से मिले और मिलने के बाद इन लोगों का रिक्वेस्ट था कि ये खंभा का तुरंत बदला जाए तार भी, तो इसी का मतलब एक आवेदन लिख करके और यहाँ के कुछ लोगों को ला करके हम कार्यालय में दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द तार और खंभा को बदला जाएगा। घाटसिला प्रखंड अंतर्गत एएमसी मुडाकाटी के तत्वाधान में शनिवार को दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला पार्षद देवयानी मुर्मू ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच मेजबान एएमसी मुडाकाटी बनाम गोपालपुर एफसी के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान दुर्गा मुर्मू, आनंता मुर्मू, अर्जुन मुर्मू, मनसा राम मुर्मू, मंगल मुर्मू, मोंटू मुर्मू, सुभाष हेमरम, चातुर हांसदा समेत कमेटी के काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। प्रतियोगिता में जीतेन हेमरम, बुगाया सोरेन एवं सत्यवान पात्र निर्णायक मंडिला की भूमिका निभाया तथा जबकि उत्पल पात्र एवं गणेश पात्र ने कमेंटेटर की भूमिका निभाया। घाटसिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट।